ये सब देखिए, ये सब उस दिन जो हम जंगल से लेके आया था, ये सबको आज इसका रेसिपी बनेगा। ये जो वाइल्ड वाला पम्पकिन सीड्स है और ये जो फीक है ना, इसको तो हम लोग खाएगा। उसके बाद में ये एलिफेंट फ्रूट है, इसको भी हम कुछ बनाएगा, इससे डिश बनाएगा। और ये फर्न्स है, इसका भी कुछ डिश बनेगा। और ये वाइल्ड बेम्बू वाइल्ड बनाना फ्लावर, इसको भी हम यूज़ करेगा। उसी का साथ में ये टमेटोस, और ये सबसे स्पेशल वाला है ये जो फर्मेंटेड सोयाबीन है, इसको इसी से हम आप लोग को एक नागा डिश बना के दिखाएगा। तो आप लोग मेरा वीडियो को देखते रहिए। फर्मेंटेड सोयाबीन का साथ में ये एग्स को यूज़ करके हम एक नागा डिश बना के आप लोग को दिखाएगा। और ये तो पता नहीं क्या बोलता होगा, हम लोग का लोकल में इसको पापी बोलता है। ये भी ज़्यादा नहीं मिला था, इतना ही मिला है। इसको भी हम इसको भी कुछ करेगा, इससे भी कुछ बनाएगा। उसके बाद आप लोग सब लोग बने रहिए मेरे वीडियो का साथ में और देखते रहिए। सबसे पहले इसको आग में थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। इसका जो बाहर का जो स्किन है ये बहुत टाइट होता है, कवर जो नारियल का कवर से भी ज़्यादा टाइट है। ये जाएगा आग में, ये इसको गर्म होने तक इसको ऐसे ही रख देगा। इसको स्टीमिंग करेगा। बनाना फ्लावर को भी, बनाना फ्लावर्स। उसके बाद में ये जो आप लोग ग्रीन ग्रीन लंबा सा देखा था, उसका छीलने का बाद में उसका अंदर से ये निकला है, इसको भी। और साथ में ये रेडी हो गया। ये सब स्टीमिंग करेगा और स्टीमिंग करके चटनी जैसे बनाएगा। ओह थैंक यू वेरी मच। पक गया, ये रेडी हो गया। इसको अभी इसका अंदर में है खाने वाला जो, इसको निकालना पड़ेगा। ये वाइल्ड पम्पकिन सीड्स जो हम लोग आग का अंदर डाला था ना, ये हो गया जल के। इसके बाद में इसका कवर को तोड़ के हम लोग इसको मिला है। अभी इसको और भी साफ सुफ करना है, अच्छा से साफ उफ करके इसका छिलका भी निकालना है। ये वाला छिलका को भी निकाल के हम लोग चटनी बनाएगा। ये अभी यहाँ रेडी हो गया। ये अभी इसको पकाने के लिए स्टार्ट कर रहा है। अभी क्या बनेगा? थैंक यू। अभी 2-in-1 काम करेगा, ये अंडा भी पकते रहेगा साथ ही साथ स्टीमिंग भी करेगा इसी का पानी में। अभी ये स्टीमर इधर चला गया, उसका साथ में ये सब भी स्टीम होगा। पकते रहेगा, अभी हो गया। अभी नेक्स्ट रेसिपी में जाएगा हम, अभी एलिफेंट फ्रूट का तरफ में। ब्लॉक को नाम ब्लॉक कर बोली मैं।
एक जिंजर गार्लिक पेस्ट है हम बनाने जा रहा है वाइल्ड पम्पकिन का सीड्स का चटनी। ये जो है बहुत ही रेयर होता है लेकिन भी बहुत टेस्टी होता है। इसका टेस्ट जो है ड्राई फ्रूट्स वॉलनट जैसा होता है। इसको चेक करेगा अभी प्रोसेस थोड़ा और बाकी है, उसके बाद में ये अंडा तो पक गया, इसको हम निकाल देगा। पहले हाथ उठा देगा, इसको और थोड़ा समय लगेगा, अच्छा से नहीं पक रहा है। हो गया, टेस्ट करके देखिएगा नमक मिर्चा कैसे हुआ है ना। ठीक है, टेस्ट लिया। पहले जमाना में ना जब शैम्पू नहीं था ना, तो हम लोग का मम्मी लोग इसको बाल में लगाता था। ये जो पर स्लिप होता है देखो ना, शैम्पू का जैसा है, धुलाने से भी पूरा शैम्पू का जैसे निकलता है। वाओ यूज़ करता था हम लोग भी, कभी कभी लगाता था जब आप लोग का जैसा छोटा था ना, उस समय में इसको काट के यूज़ करता था। इसको निकालेगा जेली को, आपको लगाना है। हाँ तो इसको अभी धोना पड़ेगा, धो के अच्छे से साफ सफाई करके, और अब इसको मानो एक जगह में रख लो। हाँ एक जगह में रखो, उसके बाद में इसको थोड़ा सा धो के, उसके बाद में आप इसको बाल में लगा। वाह देखो रूट में ना, बाल का ऐसे करके रूट में लगा तो ये जो डैंड्रफ भी हटाता है। का पिकल्स बनेगा, रेडी टू ईट वाला पिकल बना देगा हम। मैंने कभी सोचा नहीं ऐसा प्यार तूने मुझे किया, मैंने कभी जाना नहीं ऐसा प्यार तूने मुझे किया। बनाना फ्लावर भी पक गया, ये भी पक गया, अभी इसको उतार देगा। ये सब पक गया, ये भी चटनी बनेगा। ये एक चटनी हो गया, उसके बाद में ये एलिफेंट फ्रूट जो कट के रेडी हो गया, इसका पिकल बनेगा, अचार बनाएगा, रेडी टू ईट वाला अचार बन जाएगा अभी। उसके बाद में ये है वाइल्ड पम्पकिन सीड्स का चटनी, ये बन के रेडी हो गया। ये जो एग का साथ में ये फर्मेंटेड सोयाबीन जो नागा लोग बहुत यूज़ करता है, वो लोग का ट्रेडिशनल है, ये हर सब्जी में हम लोग इसको दिखाई देता है। तो ये सोयाबीन जो ये भी खाने में बहुत टेस्ट होता है, इसका स्मेल भी बहुत बढ़िया है, ऐसे चटनी में भी खा सकता है। तेल गरम हो गया, अभी इसमें जाएगा पंचफूरन बोलता है, इसमें जीरा मेथी सौंफ सब पांच चीज यहाँ में मिक्स होता है, काला जीरा भी है। इसको ये अचार को टेस्ट बनाता है। ये इधर ये चला गया एलिफेंट फूड, के बाद में नमक,
इसका पेस्ट जो खट्टा मीठा होता है, और ये हल्दी कलर के लिए, ये है लाल मिर्च पाउडर, हो जाएगा कलर के लिए और मीठापन के लिए। वाह, इसका कलर लाल मिर्च डालने के बाद में एकदम चेंज हो गया ना। ये थोड़ा सा शुगर, खट्टा मीठा और तीखा बैलेंस करने के लिए इसको डाल रहा है। मैं इसे उतार रही हूँ। वाह, पानी गर्म हो गया। अभी इसको पकने के लिए ढकेगा। जिंजर और गार्लिक पेस्ट, उसके बाद में ये है असली इंग्रेडिएंट, ये है हम लोग पेरोनाम सिंह बोलता है सोयाबीन का, और ये जो सब्जी का पूरा टेस्ट को लेके आएगा। बस थोड़ा ही काफ़ी है, इसका अरोमा जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आलू पक गया, इसको मैश करने जा रहा है हम अभी। ये हो गया, ये अभी तैयार हो गया, इसको फिर वापस वही सब्जी में डाल देगा। ये अंडा को थोड़ा सा छेद कर देगा ताकि जितना भी फ्लेवर है सब अंदर घुस जाने के लिए। ओह मिर्चा, थैंक यू। आमी थोड़ा पीस दो ना। मुंडू नाम करेगा, मुंडू नाम करेगा। हो गया ये चिल्लीस मिर्चा। ये अभी एग्स में भी, अंडा का अंदर में भी इसका ना जितना भी फ्लेवर था सब अंदर चला गया। बहुत टेस्टी होगा, जल्दी जल्दी ट्राई करने का मन कर रहा है। वाह, देखने में भी इतना बढ़िया है, कलर इतना सुंदर है। अभी लास्ट इंग्रेडिएंट डालेगा हम, ये धनिया। ये अभी रेडी टू ईट हो गया। ये चटनी है, ये है वाइल्ड पम्पकिन का चटनी, पम्पकिन सीड्स का चटनी। उसके बाद में वाह, ये है एलिफेंट फ्रूट जिसका हम पिकल बनाया है। आपका अलग से हम निकाल के रख दिया ना। टेस्टी है। वाह, ये फिक्स है, टेस्टी है ना। उसके बाद इसको हर कहीं नहीं मिलता है, और ये पहले बहुत मिलता था लेकिन आजकल इसका पेड़ भी बहुत कम होने का वजह से बहुत कम दिखाई देता है, बहुत रेयर है, बस कभी कभी मिलता है इसको। अभी ये पकने का सीज़न है, उस दिन लास्ट वीडियो में लकीली मिल गया था।
खुद भी ट्राई करके देखिए, अगर रेसिपीज देख के अच्छा लगा है तो आप लोग ट्राई करके देखिए, खाने में बहुत टेस्टी है। अगर आप लोग का जहाँ भी आप लोग रहता है उसका आसपास में ये सब सामान अगर मिलता है तो आप लोग ट्राई करके देखिए। उसके बाद में ये भी बोलना चाहता है कि इतना थोड़ा समय में आप सब ने हमको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।